तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूले की आगे आगे के फॉर्मूले में उसको बोलते हैं डेटा स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मूले, जैसे लाइक समी काउंटिंग वगैरह वगैरह। ओके, सबसे पहले हम यू स्टार्ट करते हैं काउंट इफ से। जैसे मान लीजिए मेरा डेटा है, मुझे इसमें देखना है कि पूजा कितनी बार रिपीटेड है, या फिर काउंट इफ की हम बात कर लें तो काउंट की फॉर्मूला बात कर लें तो काउंट के कई फॉर्मूले होते हैं। पहला आता है काउंट, जो कि अपने डेटा में सिर्फ नंबर को काउंट करता है कि कितना बार रिपीटेड है। उसके बाद यहाँ पे आता है फॉर्मूला, वो आता है काउंट ए। काउंट ए हर किसी को काउंट करता है कि ए नंबर और टेक्स्ट में कौन कौन है, सबको काउंट करेगा काउंट ए। और तीसरा आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, सिर्फ ब्लैंक सेल को ही काउंट करता है। ओके, तो काउंट के तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए। हेलो जी सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब ये जो आपने देखा इसमें तो कैटेगरी फिक्स है, कंडीशन फिक्स था। अब हम बात करते हैं इसकी खुद की कंडीशन की। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि पूजा कितनी बार इसके अंदर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ हमने रेंज को सेलेक्ट किया कि किसमें और किसको काउंट करना है, तो ये बता रहा है कि 455 टाइम पूजा कॉलम ए में रिपीटेड है। समझ गए? लेकिन मुझे रिपीटेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि पूजा के अगेंस्ट में एफ कॉलम में क्वांटिटी में कितनी वैल्यू है। जनरली हम लोग फिल्टर लगा के चेक करते हैं ना, सेम। उसके लिए यूज करेंगे हम सम इफ का फॉर्मूला, सम विद कंडीशन सम इफ। उसमें हम लेते हैं रेंज, तो हमारे पास रेंज आ जाता है ए, और क्राइटेरिया हमारा पूजा है, और सम रेंज ए। तो सम काउंट में दो इनपुट होते हैं, पहला इनपुट होता है आपका रेंज एंड क्राइटेरिया, लेकिन सम इसमें तीन क्राइटेरिया होते हैं कि रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। मतलब कि रेंज किसके अंदर किसको मैच करना है और उसके अगेंस्ट में किसको सम करना है। समझ गए सर? जी सर। अब मैं इसको इंटरप्रेट करता हूं तो 22,134 का सम आया। क्लियर है जी। अब इसमें अगली वैल्यू आती है कि मान लीजिए कि हमारे डेटा में कहीं पे पूजा है और कहीं पे पूजा सिंह है, या कहीं पे हमारा सिंह पूजा है, या कहीं पे पूजा कुमारी है। तीनों नेम एक ही है, बस हर कोई अलग अलग लिख दिया। जैसे दिल्ली न्यू दिल्ली होता है ना, ओल्ड दिल्ली, सब तो दिल्ली का ही बात है ना। तो यहाँ पे कैसे करेंगे कि पूजा को ले ले, जैसे व्हील कप मैंने आपको बताया था कि पूजा के साथ हम स्टार लगा देंगे तो यहाँ पे हम साम इफ या काउंट इफ दोनों निकाल सकते हैं। हम काउंट इफ की पहले बात करते हैं। काउंट इफ हमने रेंज लिया और हमने यहाँ पे पूजा को सिलेक्ट कर लिया, काउंट आ गया। उसी तरीके से हम यहाँ सम इफ लेंगे और सम इफ के अंदर हम रेंज को देंगे जिससे मैच करना है, उसके बाद स्टार लगी पूजा को सेलेक्ट करेंगे और फिर क्राइटेरिया को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं। आ गया सर? सर एक डाउट है। आप पूछिए सर। जैसे अभी ऊपर वाले में भी काउंटी था, वहां पर लिया तो वहां पर 50 रिजल्ट दिखा है, यहाँ पे मतलब हमने नाम ऐड किया है ना, यहाँ पे दो तीन नाम 455 दो तीन पूजा ऐड किया है ना मैनुअल सर। ये एग्जैक्ट पूजा जितना बार पूजा है, एग्जैक्ट पूजा को
अच्छा, ये जो पूजा, हाँ सर, एग्जैक्ट पूजा को काउंट कर रहा है और एक पूजा सिंह को भी ले जी रहा है, पूजा कुमारी को भी ले रहा है, सिंह पूजा को भी ले रहा है, इसलिए फैलो में जी आपको सर, जी डिफरेंट आ समझ रहा गया सर, मैं अपने कुछ चेंजेस किए इसके लिए है। जी। हाँ, दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि अगर हमने पूजा के दोनों तरफ स्टार लगा दिया तो ये हो जाता है कंटेन। हेलो सुनील जी, गुड गुड मॉर्निंग। मैं रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, रिकॉर्ड शुरू कर ले। अच्छा, अगर मैंने सिर्फ लिखा स्टार और जी पूजा लिखा, हमने ये हो जाता है एंड विथ पूजा, और फिर हम पूजा स्टार लगाते हैं तो हो जाता है स्टार्ट विथ पूजा। स्टार्टिंग विद पूजा ठीक है, तो ऊपर वाला कंटेन हो जी, गया, ये नीचे वाला सेकेंड नंबर हो गया आपको एंड विथ, और हो गया स्टार्ट। अब इसमें एक चीज और आती है कि चलो यहाँ तो मैंने स्टार लगा लिया, लेकिन मेरे पास बहुत सारे नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे टीना का नाम लिखा हुआ है, तो टीना है भी है इस तरह से लिखा हुआ है, बट मेरे पास स्टार नहीं लगाया। अब मान लीजिए कि ऐसे अगर मेरे पास अगर 100, 200, 500 नाम है तो सब में जाके स्टार लगाना तो मुश्किल हो जाएगा ना। क्या, हेलो जी सर, जी सर, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला काउंट इफ हो या सम इफ हो, तो कोई भी फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, और लगाने के बाद हमने रेंज को सेलेक्ट किया, और इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे स्टार, और फिर एंड के साथ हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना नेम। समझ गए? तो जी हम फॉर्मूले में दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे, राइट? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि मुझे अगर ग्रेटर देन 50 को काउंट या सम करना है, तो मैं यहाँ पे भी सेम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, काउंट इफ, और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, किसको, क्वांटिटी को, और हम क्वांटिटी के कॉलम सेलेक्ट करना होगा, हाँ, और वापस हम क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, आ गया। तो अगर आपने इस तरह का ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल लगा दिया है तो भी काउंट इफ को काउंट कर लेता है, और सम इफ भी उसको सम करता है। सम इफ में हमने अपना रेंज दिया और क्राइटेरिया दिया। अब इसमें सम रेंज देने की जरूरत नहीं है, आप दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपका क्राइटेरिया रेंज और आपका सम है, जिसमें ढूंढना है उसी को सम करना है, एक है, तो आपको सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। एंटर मारिए, रिजल्ट आपके सामने। और सेम इसी में आप जो है लेस देन ग्रेटर फॉर्मूला में कर देन, सकते हैं मैं लेस देन ग्रेटर जी हाँ, जैसे हमने यहाँ पे कंबाइन किया है इन्वर्टेड कॉमा में स्टार, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में सिंबल आप दे सकते हैं। ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू, क्लियर है? लेकिन बिटवीन अगर करना होगा तब क्या करेंगे, जी सर, मतलब कि मुझे यहाँ 50 to 80 का नंबर चाहिए, मतलब कि ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 80 का टोटल चाहिए, काउंट चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल कंडीशन, सम इफ हो या काउंट इफ हो, सिर्फ आप एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सम इफ हो या काउंट इफ हो, तो आप यहाँ पे तो सिर्फ सर एक इफ्स कंडीशन, का जी हाँ, तो अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है तो उसके लिए हम काउंट इफ IFS या सम इफ IFS जो होता है उसको यूज करूंगा। इसमें कैसे यूज करना है, आप यहाँ पे दीजिए क्राइटेरिया, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया अगेन, क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया। ठीक है, और असेंबल में लगाया हुआ आप जी इसके अंदर भी लगा सकते हैं। ऐसे मान लीजिए मुझे पूजा का, दिल्ली का, मान लीजिए मुझे इंदर का
मुझे पुणे का टोटल चाहिए, नहीं दिल्ली का टोटल, मान लीजिए दिल्ली का टोटल चाहिए, तो यहाँ हम सम इफ्स का इस्तेमाल करेंगे, सम आईएफएस, सम इफ्स, और सम इफ्स में हम देंगे अपना सबसे, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, देंगे सबसे पहले हमारा जो हमारा ए है, मतलब कि सम रेंज है, फिर यहाँ पे हमारा पहला क्राइटेरिया सम रेंज, फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया, और तीसरा क्राइटेरिया, और तीसरा क्राइटेरिया रेंज, ये आपके सामने जीरो आ गया, क्योंकि इंदर जो है दिल्ली में है ही नहीं, तो मैं एक बार ऐड करके रिजल्ट देख लेता हूँ आपका, ये रहा, आ गया ना, ठीक है। आप इसके अंदर भी ये सारे जो पार्ट है ये यूज कर सकते हैं, यहाँ देखा सम इफ्स के अंदर भी और काउंट इफ्स के अंदर भी, क्लियर है? हेलो, अब हम बात करते हैं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है आज सुरेंद्र जी। हेलो सुनील जी, आपको समझ में आया? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है सर। मुझे एक बार थोड़ा ये करके बता दो सर, जो फॉर्मूला में हमको जैसे ग्रेटर देन बिटवीन और लेस देन 80 जैसे करना है, जैसे जो 1456 है ना, ये कैलकुलेशन आना चाहिए। हाँ, यही वाला आप, हाँ देखिए सम हमने यहाँ पे क्या, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर से, हाँ 40 और मैं मान लीजिए कि 70, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सम इफ्स का लगाया, राइट, हमने सम रेंज ले लिया अपना, और यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन या ग्रेटर देन का साइन जो भी आपको चाहिए लगाइए, एन परसेंट, नहीं नहीं माफ कीजिए उल्टा हो गया, सम रेंज, फिर हमारा आता है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज लिया, और फिर क्राइटेरिया यहाँ पे होगा लेस ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन एन परसेंट 40, फिर वापस हम क्राइटेरिया रेंज लेंगे, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, और इसके साथ हम 70 को ऐड कर देते हैं, आ गया सर रिजल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज की, देखिए एवरेज के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले हैं, तीन चार फॉर्मूले टोटल, एक है हमारा एवरेज जो कि नॉर्मल एवरेज निकालता है सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ वैल्यू, बट ये ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ टेन टेन वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसका एवरेज दूंगा तो एवरेज टेन ही आएगा ना, टेन ही आएगा सर, टेन आएगा, राइट। अगर मान लीजिए इसमें मैं ट्रू दे देता हूँ या फॉल्स दे देता हूँ, फिर भी टेन होगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स को कंसीडर ही नहीं करेगा, राइट। अब यहीं पे अगर हम देते हैं वापस एवरेज ए, एवरेज ऑल इसको कहा जाता है, तो ए ट्रू को वन एंड फॉल्स को जीरो लेते हुए आपका इफेक्ट कर देगा, समझ गए? हेलो, तो ऊपर वाले ने क्या किया, सम ऑफ मतलब 50 इसने क्या किया, ऊपर वाले ने 50 डिवाइड बाय 10, मैंने उसने ट्रू को इग्नोर कर दिया, इसने किया 51 डिवाइड बाय 6, ऊपर वाले ने 50 डिवाइड बाय 5 किया, उसने ट्रू फॉल्स को ना सम में लिया ना काउंट में लिया, मतलब सर टेक्स्ट की वैल्यू को एक लेगा और टेक्स्ट की वैल्यू नहीं, ट्रू फॉल्स एक्सेल में जीरो होता, टेक्स्ट होगा तो इग्नोर कर देगा, टेक्स्ट जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इसके ट्रू फॉल्स की जगह पे मैं कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ तो टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक। तो अगर आपको विथ कंडीशन चाहिए कि मुझे पूजा का टोटल कंडीशन, टोटल एवरेज क्या है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एवरेज
इफ, और हमने रेल्स को लिया, क्राइटेरिया हमने लिया, और हमने यहाँ पे सम सम एवरेज जो होता है, एवरेज रेंज वो ले लिया, सॉरी एवरेज इफ में हमने कुछ गलत किया, दोबारा करता हूँ, एवरेज इफ्स लगा दिया क्या मैंने, एवरेज 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 के अंदर हमें रेंज दिया, क्राइटेरिया और एवरेज रेंज, बेहतर गलती से या क्राइटेरिया एवरेज आ गया सर। हेलो यस सर, यस सर। और एवरेज एवरेज के अंदर भी ये सारे चीजें लगा सकते हैं, और ऐसे ही जैसे आपने एवरेज रेंज लगाया है, सम इफ लगाया है, ऐसे आप यहाँ पे एवरेज इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे, एवरेज इफ्स, एवरेज इफ्स, हमने इसको एवरेज रेंज हमको सिलेक्ट किया, हमने क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया देता हूँ, क्राइटेरिया रेंज टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे ऐड करते चले जाइएगा। तो हमने आज जो है संदिग्धता समराइजेशन के चार फॉर्मूले के, चार पांच फॉर्मूले डिस्कस किए, जैसे काउंट के फॉर्मूले, सम के फॉर्मूले और एवरेज के फॉर्मूले, तीन कैटेगरी डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कहाँ पे हम बताते हैं, जैसे आगे चल के आप जब इसमें यूज करेंगे सम का फॉर्मूला, इसका पिवट जैसे आप यूज करते हैं ना, पिवट जैसे ही फीचर्स आप फॉर्मूला लाने चाहेंगे, तो इसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर, जी सर, ओके। तो मिलते हैं कल, कल हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है सर? हेलो, हाँ पूछिए सर, ये वाला रिकॉर्डिंग थोड़ा भेज दीजिएगा, मेरा नेटवर्क का थोड़ा इश्यू चल रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा। थैंक यू सर।